गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अब्बासपुरा में सालाना नतायज के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल काशिफ अली थे। सालाना तकरीब में इदारा हजार के टीचर स्टूडेंट समेत बच्चों के वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रिंसिपल इदारा हजार इस वक्त बच्चों से खिताब कर रहे हैं। मजीद तफसीलात बताते हैं चौधरी अब्दुल रहमान। तो ये नहीं है कि हमारे पास पढ़ाई की कमी है या वसाइल की कमी है या साथ की कमी है। मेरे स्कूल में आपके बच्चों के रिजल्ट कार्ड के साथ हमने एक पंफलेट जो है वो अंदर डाला है दाखिला मुहिम के हवाले से। अगर आप उसकी बैक साइड पर पढ़ेंगे तो मेरे स्कूल में जो है वो आपको वेल क्वालिफाइड असातिज़ा जो है मिलेंगे। अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन को पढ़ेंगे तो सारे असातिज़ा इकराम वेल क्वालिफाइड है। कोई एमफिल है, कोई मास्टर्स है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी सब की है। लेकिन ये एक भेड़ चाल बन गई है कि हमने जो है बच्चा प्राइवेट स्कूल में भेजना है। क्यों आप एक मास्टर्स और एमफिल डिग्री होल्डर्स टीचर पे एतमाद नहीं कर रहे, लेकिन एक मैट्रिक पास और इंटर पास टीचर के पास जिसके पास कोई ना ट्रेनिंग है ना उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके पास आप अपना बच्चा जो है वो भेज रहे हैं, साथ फीसें भी दे रहे हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे कि हम इंशाल्लाह आपके बच्चों को वही माहौल मुहैया करेंगे जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर है। अगले साल से हम आपके बच्चों का महाना टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो बच्चे के बेनिफिट के लिए हैं वो हमने इंशाल्लाह अगले साल करनी है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया है, लाखों की बिल्डिंग है, करोड़ों की ज़मीन है जिसमें प्ले ग्राउंड भी है और इतना वसी और ईस जो वो स्कूल है, कमरे पूरे हैं, फर्नीचर पूरा है, बेहतरीन कंप्यूटर लैब मौजूद है, बेहतरीन साइंस लैब मौजूद है। इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद लोगों का रुझान पता नहीं इस तरह क्यों नहीं। तो ये मैं वादा करता हूँ अपने असातिज़ा की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि हम इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत अच्छी तालीम मुहैया करेंगे। वालिदैन का काम है बच्चों को यहाँ पे भेजना, हमारा काम है उनको तालीम देना। बच्चा जब पूरा साल आएगा तो फिर आप हमसे आकर पूछें कि मेरे बच्चे को जो है वो तालीम क्यों नहीं मुहैया की। जब बच्चा जो है वो छुट्टियाँ करता है आता नहीं है तो फिर आप हमसे पूछने के मजाल नहीं। बच्चा हमारे हवाले करेंगे फिर आप हम खुद से आगे पूछें कि पूरा साल मेरा बच्चा जो आपके पास आता है इसको आपने क्या दिया। फिर मैंने और अगर मेरे असातिज़ा ने कुछ नहीं दिया तो फिर हम जवाब दें। तो मेरी आप लोगों से